हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं एक बार और लास्ट डे रोल। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने एक घर बनाया था जो कि अभी टूट चुका है। घर मेंटेन करने के लिए हमें सामान इकट्ठा करके उसमें कैबिनेट में डालना पड़ता, बट हमने कुछ भी किया ही नहीं, सारा सामान हमारा टूट गया और जो बचा कुचा था वो सारा सामान लूट के किसी ने चला गया। और आज हम बनाने वाले एक बार और अपना नया घर, और उसको हम अपग्रेड कर देंगे स्टोन से ताकि कोई भी तोड़ के ना जा सके, और उसको हम मेंटेन भी करने वाले हैं। तो चलो अब सबसे पहले अपनी बेस्ट जगह ढूंढते हैं। और अभी मैंने बहुत सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया, लकड़ियाँ काट काट के, पत्थर को तोड़ तोड़ के। और अब घर बनाने के लिए सबसे पहले लोकेशन ढूंढते हैं, और हम यहीं पे बनाने वाले हैं, इस जगह पे ही घर अपना। ओके, अभी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बेस बना लेते हैं। बेस हम बनाएंगे 3x3 का। तो यहाँ पे एक और दो प्लेस कर दिया है, और एक सामने के साइड पे यहाँ प्लेस करते हैं, और एक इस साइड पे प्लेस करते हैं। और मैं पहले बेस को पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके गाइज, अभी हमारा सारा बेस कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ पे वॉल को बिल्ड करते हैं। तो वॉल को बिल्ड कर लेते हैं इसके चारों साइड पे हम। और अभी सारा वॉल कंप्लीट हो चुका, तो यहाँ पे हम डोर लगाते हैं। यहाँ पे मैं सिंगल डोर लगाने वाला हूँ, और यहाँ से करते बिल्ड। और बाहर की साइड पे एक और थोड़ा सा ओपन है, उसको भी हम यहाँ पे डोर लगाने वाले हैं, ताकि किसी अगर कोई तोड़ के एंटर होता है तो उसको पहले दो दरवाजे तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ से भी हमने वॉल को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं लॉक भी लगाने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पे हम पूरा टेरेस को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि सीलिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो कर लेते फिर फटाफट से सीलिंग को भी बिल्ड। और इसी के साथ हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने एक गैप छोड़ा, यहाँ पे हम स्टेयर लगाने वाले हैं ताकि हम ऊपर वाले फ्लोर को भी बिल्ड कर सकें, कि हम दो फ्लोर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से स्टेयर को पहले लगाते हैं और ऊपर वाले भी फ्लोर को बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी हमारा सेकंड फ्लोर भी कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड फ्लोर पे हम बनाने वाले एक सीक्रेट बेस, यानी कि हमारा सीक्रेट रहेगा जो कि किसी को पता नहीं रहेगा, तो यहाँ पे बनाने वाले हैं। और इस जगह पे हमारा एक मेन डोर रहेगा, और यहाँ से ताकि किसी को पता ना चले कि इसके पीछे भी क्या है, और वो कोई भी सामान लूटने लगेगा। और यहाँ पर मैं विंडो लगाता हूँ, और दूसरे साइड पर यहाँ पर हम हाफ वॉल बिल्ड कर देता हूँ। यहाँ फटाफट से चलो वॉल को बिल्ड कर लेते हैं हाफ वॉल। और स्लीपिंग बैग भी हमारा अनलॉक हो चुका है, तो यहाँ पर भी हम उसको प्लेस कर देते हैं, इसको रोटेट करते हैं। और इसी जगह पे मैं प्लेस करता हूँ फटाफट से इसको भी। और कैबिनेट अनलॉक हो चुका, तो कैबिनेट अनलॉक हो गया, तो इसको भी हम प्लेस कर देंगे। और इसको हम सीक्रेट वाले रूम में प्लेस करने वाला हूँ, कैबिनेट को इस जगह पर प्लेस करने वाला हूँ। तो इसको भी यहाँ पर कैबिनेट को साइड में थोड़ा प्लेस कर देता हूँ। और कैबिनेट प्लेस हो गया, तो यहाँ पे इसके अंदर हम सामान डाल देते ताकि ये घर को मेंटेन करके रखे। तो यहाँ पे मैं कुछ लकड़ियाँ डाल देता हूँ, और इसी साथ हमारा लॉक भी अनलॉक हो चुका है और कोड अनलॉक हो गया है। तो हमारा सबसे पहले हम जाके मेन डोर पे लॉक को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलो लॉक को मेन डोर पर इंस्टॉल करते हैं। और ये रहा हमारा मेन डोर, ये मेन डोर नहीं, इसके पीछे भी एक और डोर है। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ कोड को, और पासवर्ड रखता हूँ 6353। और ये कुछ अनलॉक हुआ, ओह लो वर्क बेंच अनलॉक हो गया है। तो ये अनलॉक हो गया, तो इसको भी हम यहीं पे प्लेस कर देते हैं, इसी नीचे में इसको प्लेस कर देता हूँ। इसको प्लेस करते हैं, देन हम और कुछ और अनलॉक हुआ, ओ आयरन बार है और कुछ क्लॉथ है। और जो दूसरा कोड है वो मैं कैबिनेट में प्लेस करने वाला हूँ, ताकि कि अगर कोई डोर तोड़ के घुसता है तो दूसरे कैबिनेट को पहले तोड़ना पड़ेगा कैबिनेट से सामान निकालने के लिए। तो दूसरा कोड भी हम यहाँ पर कैबिनेट में इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इसमें भी हम सेम पासवर्ड रखते हैं 6353। और कोड यहाँ पे हम इंस्टॉल कर चुके हैं। और अभी यहाँ पे मुझे फर्नेस बिल्ड करना है, और कुछ चेस्ट यहाँ पे लगाना है ताकि हम उसमें सामान रख सकूँ। तो फर्नेस के लिए मुझे सामान चाहिए होंगे, पत्थर चाहिए, लकड़ा चाहिए और गैस कैन चाहिए। और उसके लिए मुझे बहुत सारा सामान अभी इकट्ठा करना है, और इस घर को पत्थर में भी अपग्रेड करना है, क्योंकि ये भी लकड़े का, तो कोई भी इसको आराम से इसको तोड़ के सारा सामान ले सकता है मेरा। तो चलो चलते हैं, पहले पत्थर भी चाहिए, बहुत सारा ग्राइंड करना पड़ेगा। तो बाहर चलते हैं और पत्थर और जो भी सामान चाहिए वो सारा इकट्ठा करके लाते हैं, देन इसको मैं पूरा अपग्रेड करूँगा अभी फटाफट से इसको। ओके गाइस, अभी हम बहुत सारे सामान यानी कि पत्थर और लकड़ियाँ इकट्ठा करके लेके आ रहा हूँ, और अभी हम इस घर को अपग्रेड करने वाले हैं पूरा, और इसके साइड साइड में और भी कुछ बिल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक सल्फर देखा था, मैं इसको भी तोड़ लेता हूँ, देन मैं इसको पत्थर से पूरा अपग्रेड करना चालू करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सल्फर माइन मिल चुका है, और अभी मैं यहाँ से पत्थर से इसको सारा अपग्रेड करना चालू करता हूँ। और इसके बाद में भी मैं यहाँ पे कुछ बिल्ड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डोर को भी अपग्रेड करता हूँ, देन उसके बाद चारों साइड पे इसके वॉल को भी अपग्रेड करना चालू करता हूँ। ओके गाइज, अभी हमारा पूरा घर अपग्रेड हो चुका है, और मैंने यहाँ पे कुछ बहुत सारे चेंजेस किए हैं, और इसमें मैंने बहुत सारा सामान को ऐड किया जो कि मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा वीडियो को कट कर दिया है।
और मैं आपको इसके चारों साइड पे और अंदर की एक बार मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। तो बाहर की साइड पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, और अब भी चलो अंदर की साइड पे चलते हैं। और ये रहा हमारा मेन गेट है, इसके अंदर जाने के लिए एक और गेट है। तो सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो इधर जैसे एंटर होगा तो यहाँ पर आपको तीन फर्नेस दिखेंगे जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया अभी, उसको क्लोज करते हैं। और इस साइड पे हमारा एक ड्राफ्टिंग टेबल है और इधर एक लो वर्क बेंच जो अनलॉक हो, तो यहाँ पे और कैबिनेट की जगह मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है। और ऊपर की साइड पे भी मैंने बहुत सारे चेंजेस किए। यहाँ पर एक हाफ वॉल था जो कि मैंने अभी तोड़ दिया है, और यहाँ पे जो गेट लगाया था इस साइड पे सीक्रेट वाला, वो यहाँ पे तोड़ के इस जगह पे रिप्लेस कर दिया हूँ। और अंदर की साइड पे यहाँ पे एक चेस्ट है, एक फर्नेस है और एक वेपन चेस्ट है जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बहुत सारे सामान इकट्ठा करने पड़े थे तो मैंने यहाँ पे वीडियो उसको कट कर दिया है, और बस यही था। और यहाँ पे मैं एक वॉल बिल्ड कर दूंगा और इसको अपग्रेड कर दूंगा ताकि किसी को पता ना चले कि इसके पीछे भी कुछ है। तो यहाँ पे मैं इसको भी अपग्रेड कर दूंगा स्टोन से ताकि और कोई पता नहीं चलेगा कि अंदर भी कुछ है। तो और ऊपर टेरेस पे ज़्यादा कुछ नहीं है, टेरेस पे कुछ ज़्यादा सिंपल बनाया हूँ। चलो गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग ये गेम खेलते तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो हमारे साथ खेलने के लिए। तो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।